हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनर्स इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज सोनेट 129 द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन ए वेस्ट ऑफ सेम बाय विलियम शेक्सपियर। इसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बताया है, यानी कि काम वासना के बारे में बताया है, कि जब इंसान उसे पाने की कोशिश में होता है, यानी कि वो पाने की सोच रहा है, उसके मन में उसके लिए लालच जाग रहा है, और उसे जब वह इंजॉय कर रहा होता है, यानी कि वो उसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और उसके बाद जब वो उसे पा लेता है, उसके बाद उसकी फीलिंग्स क्या होती है, यानी कि वो उसके रिजल्ट भी बताता है और उसके इफ़ेक्ट भी बताता है। तो चलिए लाइन टू लाइन इसे देखते हैं। द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट इन ए वेस्ट ऑफ सेम इज लस्ट इन एक्शन एंड टिल एक्शन लस्ट इज प्रज्यूर्ड मर्डरर्स ब्लडी फुल ऑफ ब्लेम सेवेज एक्सट्रीम रूड क्यूरल नो टू ट्रस्ट द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट। एक्सपेंस का मतलब वेस्ट करना, ऑफ स्पिरिट मतलब अपनी ताकत को, यानी कि लोग अपनी ताकत को वेस्ट करते हैं इन ए वेस्ट ऑफ सेम, एक शर्मनाक और वेस्ट काम के लिए, यानी कि लोग अपनी ताकत को एक शर्मनाक एक्टिविटी के लिए ख़त्म करते हैं। इज लस्ट इन एक्शन, इस काम की लालच में। एंड टिल एक्शन लस्ट, इस एक्शन के बाद यानी कि इस काम के बाद लस्ट इज प्रज्यूर्ड, जो ये लालच है ना वो लोगों को बना देता है प्रज्यूर्ड, हारा हुआ। मर्डर्स मतलब मुर्दा, ब्लडी मतलब खूनी, फुल ऑफ ब्लेम मतलब दोषी, सीवेज एक्सट्रीम अतियुक्त, रूड रूखा, क्रूअल क्रूर, नो टू ट्रस्ट और अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य न हो, वो इंसान को ऐसा बना देता है। यानी कि जो ये सेक्सुअल डिज़ायर है, ये आदमी को एक हारा हुआ इंसान, मुर्दा, खूनी, दोषी, सेवेज, अतियुक्त, असभ्य, क्रूर और एक अविश्वसनीय इंसान बना देती है। एंजॉयड नो सूनर बट डिस्पिस्ड स्ट्रेट पास्ट रीजन हंटेड एंड नो सूनर हैड पास्ट रीजन हेटेड एज ए स्वेलोड बाइट ऑन पर्पज लेट टू मेक द टेकर मैड। एंजॉयड नो सूनर, इसे लंबे समय तक इंजॉय नहीं किया जा सकता, बट डिस्पिस्ड स्ट्रेट, लेकिन लोग जल्द ही इसे नफरत करने लगते हैं। पास्ट रीजन हंटेड, लोग इसका बेवजह पीछा करते हैं, यानी कि लोग इसे चाहते हैं। एंड नो सूनर हैड, और इसे पा लेने के बाद पास्ट रीजन हेटेड, इसे बेमतलब नफरत की जाती है। एज ए स्वेलोड बाइट, जैसे कि एक मछली ने अपना चारा निगल लिया हो, यानी कि जैसे एक मछली अपना चारा निगलने के बाद पछताती है, तो लोग भी काम वासना के बाद पछताते, उन्हें सेमफुल फील होता है। ऑल पर्पज लीड टू मेक द टेकर मैड, और इसे पा लेने के बाद यह आदमी को पागल बना देता है। मैड इन परस्यूट एंड इन पोजेशन शो हेड हैविंग एन इनक्विस्ट टू हैव एक्सट्रीम ए ब्लेस इन प्रूव एंड प्रूव्ड ए वेरी बॉय बिफोर ए जॉय प्रपोज्ड बिहाइंड ए ड्रीम। मैड इन परस्यूट, यानी कि लोग इसे पाने की कोशिश में भी पागल होते हैं, एंड इन पोजेशन शो, और इसे पा लेने के बाद भी पागल ही होते हैं। हेड हैविंग एन इनक्विस्ट टू हैव एक्सट्रीम, हेड मतलब यानी कि जब वो उसे पा चुके होते हैं, हैविंग यानी कि जब वो उसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एंड इनक्विस्ट टू हैव, और जब वो उसे पाने की इच्छा में होते हैं एक्सट्रीम, तो वो एक्सट्रीम फील करते हैं। ए ब्लेस इन प्रूव, जब वो इसे टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही ब्लेसफुल फील करते हैं। प्रूव्ड ए वेरी बॉय, और बाद में उन्हें यह एक घाव के समान लगता है, एक दुख के समान लगता है। बिफोर ए जॉय प्रपोज्ड बिहाइंड ए ड्रीम, वो शुरू में तो उनको एक जॉय के समान लगता है, एक खुशी देता है बिहाइंड ए ड्रीम, लेकिन बाद में वो उनको एक बुरा सपना लगता है। ऑल दिस द वर्ल्ड वेल नोज येट नो नाउज वेल टू सन द हेवन दैट लीड्स मैन टू दिस हेल। ऑल दिस द वर्ल्ड वेल नोज, यह पूरा संसार अच्छे से जानता है, येट नो नोज वेल,
लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। टू सन द हेवन, स्वर्ग जैसी लगने वाली यह चीज, दैट लीड्स मैन टू हेल, जो आदमी को हेल की तरफ ले जाएगी, नरक की तरफ ले जाएगी, इससे कैसे बचा जाए। यानी कि इस बात को तो पूरा संसार जानता है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि जो स्वर्ग की जैसी दिखने वाली चीज़ है वो उनको हेल की तरफ लेके जाएगी, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस तरह से हमारी सोनेट कंप्लीट हुई। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।